Hello students, welcome to our English language skill development channel. तो आज हम class 10th का unit 4 जिसका नाम है adolescence, उसमें का reading A, Swami is expelled from school, जो कि आर के नारायण द्वारा लिखा गया है, उस कहानी को आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे. तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि यूनिट का जो नाम है एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब क्या होता है और एडोलेसेंस से जुड़े हुए लेसन्स जो है वो हमारे क्लास टेंथ में उसका संकलन क्यों किया गया है. तो हमारे इस यूनिट का नाम है एडोलेसेंस. तो हम जाने पहले कि एडोलेसेंस यूनिट है उसको क्लास टेंथ के बच्चों के पुस्तक में क्यों संकलित किया गया है, क्यों इसको जोड़ा गया है. तो एडोलेसेंस क्या है? एडोलेसेंस को हिंदी में बोलते हैं किशोरावस्था, और ये किशोरावस्था का जो एज है वो प्रायः 12 साल से लेकर के 20 साल का एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको हम एडोलेसेंट्स यानी किशोर बच्चे बोलते हैं. तो इन बच्चों में 12 साल से 20 साल के एज ग्रुप के बच्चों में मानसिक और शारीरिक परिवर्तन आता है जिसके कारण उनके व्यवहार में, उनके स्वभाव में, उनके बोलचाल में, उनके पसंद नापसंद, उनके विचार व्यवहार सभी चीजों में परिवर्तन आता है. तो इस परिवर्तन के आने पर किशोरावस्था का कोई भी बच्चा किस प्रकार से रिएक्ट करता है उस बात को यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से स्वामीनाथन के जरिए इस कहानी में हमको बताया गया है. अब देखो यहाँ पर स्लाइड में आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक किशोरावस्था की एक बच्ची है जो बहुत ही शांत बैठी है. इसका मतलब कि किशोरावस्था के बच्चों को कभी कभी अकेला रहना, अपने सोच विचार में खोए रहना अच्छा लगता है. तो इस स्लाइड में एक पिता जो है वो अपने पुत्र को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है, और इसमें हम देखते हैं ये पिक्चर को देख करके हमको ये एहसास होता है कि एक एडोलेसेंट बच्चा, एक किशोरावस्था का जो बच्चा है वो स्वतंत्र भी रहना चाहता है. इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि बच्चे कितने ज्यादा तल्लीन होकर के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं. तो किशोरावस्था का बच्चा अपना अटेंशन भी जिस किसी चीज में वो लगाना चाहे, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, तो वो अपनी इच्छा से लगा सकता है. फिर यहाँ पर इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार बच्चा जो है, किशोरावस्था का जो बच्चा है वो क्लास के सारे एक्टिविटीज में बहुत ही उत्साह पूर्वक अपनी भागीदारी दे रहा है. और इस स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर लड़के लड़कियां साथ में कुछ काम को मिलजुल करके कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो ये उनके अपने उत्साह और खुशी व्यक्त करने का जो जरिया है या जो तरीका है वो भी एकदम बेहतरीन और बहुत ही अलग रहता है. वो एकदम इतने फ्री रहते हैं कि अपना खुशी हो या अपनी नाराजगी हो या अपना एक्साइटमेंट हो, हर कुछ अपना एक अलग, एक यूनिक तरीके से व्यक्त करना चाहते हैं. यहाँ पर बच्चे हम खेलते हुए तल्लीन होकर के, जो किशोरावस्था के बच्चे हैं वो खेल भी खेलते हैं. तो ये सारा कुछ हमको एक किशोरावस्था के बच्चे में दिखता है. तो इस किशोरावस्था की जो एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उसको लेकर के हमको आर के नारायण, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, इस कहानी के जरिए अब हमको बहुत अच्छे तरीके से ये बताना चाह रहे हैं कि किशोर अवस्था का बच्चा किस प्रकार से सोचता है, क्या सोचता है, और किसी भी परिस्थिति का वो सामना किस प्रकार से करता है, कितना जल्दी वो गुस्सा हो जाता है या कितना जल्दी वो खुश हो जाता है, उनके अंदर किस किस बात का भय रहता है, ये सारा कुछ हम इस कहानी में पढ़ेंगे. तो चलो ये कहानी अब हम शुरू करते हैं. कहानी का नाम है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल. तो टेक्स्ट चालू करने से पहले, टेक्स्ट में जाने से पहले हम इसके कैरेक्टर्स को देख लेते हैं.
तो इसके मेन कैरेक्टर्स हैं, हेडमास्टर है, एक लड़का है स्वामीनाथन जो इसका मेन कैरेक्टर है, उसका मित्र है राजम और प्यून। तो ये चार कैरेक्टर्स जो है वो हमको इस लेसन में बताया गया है। तो लेसन या टेक्स्ट अब हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम ऑथर के बारे में थोड़ा जान ले। आर के नारायण 1906 टू 2001 वॉज एन इंडियन ऑथर हुज वर्क्स ऑफ फिक्शन इंक्लूड अ सीरीज ऑफ बुक्स अबाउट पीपल एंड देयर इंटरेक्शंस इन एन इमेजिन्ड टाउन इन इंडिया कॉल्ड मालगुडी। तो ये आर के नारायण जिन्होंने ये कहानी लिखी है, उनका जन्म 1906 में हुआ था और 2001 में उनकी डेथ हो गई। इन्होंने बहुत सारे फिक्शंस लिखे हैं, ए सीरीज ऑफ बुक्स, बहुत सारे किताबें लिखी हैं अबाउट पीपल, लोगों के बारे और उनके इंटरैक्शंस। और ये सारी जो घटनाएं हैं उन्होंने एक इंडिया के एक काल्पनिक, इमेजिन्ड एक काल्पनिक टाउन जिसका नाम उन्होंने रखा मालगुडी। तो इस काल्पनिक टाउन में हर घटना उनकी घटती है, कहानी की हर घटना यहाँ घटती है। हिज पॉपुलर वर्क्स आर स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो आर के नारायण के जो कहानियां हैं जिसमें जो पॉपुलर उसके कहानियां हैं वो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द इंग्लिश टीचर एंड द फाइनेंशियल एक्सपर्ट। द प्रेजेंट एक्सट्रैक्ट इज फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो जो हम अभी जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, ये इनके जो किताब है स्वामी एंड फ्रेंड्स उसी में का एक एक्सट्रैक्ट है। तो हम अब टेक्स्ट को शुरू करते हैं। स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास विद अ स्लाइटली फ्लश्ड फेस एंड अ हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज। तो ये कहानी शुरू होता है कि एक स्कूल है, उस स्कूल के एक क्लास में स्कूल का हेडमास्टर अंदर आते हैं, एंटर द क्लास, और उनके चेहरा चेहरे पर नाराजगी है, गुस्सा है, फ्लश्ड फेस यानी गुस्से से भरा चेहरा, एंड अ हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज, और उनकी आंखों में भी उनका जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ अनहोनी होने जा रहा है। स्वामीनाथन विश्ड दैट ही हैड बीन एनीवेयर बट देयर एट दैट मोमेंट। तो स्वामीनाथन क्या सोच रहा है, वो ये चाह रहा है कि काश मैं इस वक्त कहीं और होता लेकिन अभी इस क्लास में नहीं होता। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्ट, आर यू नॉट अशेम्ड ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर वॉट यू डिड यस्टरडे। तो हेडमास्टर क्लास में आते हैं, क्लास का सर्वे करते हैं, यानी एक नजर क्लास को देखते हैं, और उसके बाद फिर वो कहते हैं, बच्चों से मुखातिब होकर कहते हैं, आर यू नॉट अशेम्ड, क्या आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है ऑफ कमिंग एंड सिटिंग देयर आफ्टर वॉट यू डिड यस्टरडे, आपने जो कल किया था उसको करने के बाद इस क्लास में आकर बैठने में आपको शर्म नहीं आ रही है। जस्ट अ स्पेशल ऑनर टू देम ही रेड आउट द नेम्स ऑफ डजन स्टूडेंट्स और सो दैट हैड अटेंडेड द क्लास। तो जस्ट वो क्लास में एक उनको सम्मान देने के लिए उन बच्चों का नाम, उन दर्जनों बच्चों का नाम वो पढ़ते हैं, लेते हैं जो पिछले दिन क्लास अटेंड किए होते हैं। आफ्टर दैट ही रेड आउट द नेम्स ऑफ दोज दैट हैड केप्ट अवे। केप्ट अवे का मतलब होता है अनुपस्थित रहना, एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन द बेंचेस। जो बच्चे उपस्थित थे उनका नाम पढ़ने के बाद उन्होंने ऐसे उन बच्चों के नाम पढ़े जो पिछले दिन यानी कल के दिन, बीते हुए कल के दिन क्लास में उपस्थित नहीं थे, और उनको अपने अपने बेंच पर खड़े होने को कहा गया। ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वॉज नॉट इनफ एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क। तो हेडमास्टर को यह लगा कि इन बच्चों के लिए जो अनुपस्थित थे इनके लिए पनिशमेंट, सजा पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, और फिर उन्होंने उन सारे बच्चों को अपने डेस्क पे खड़े होने के लिए कहा। स्वामीनाथन वॉज अमंग देम एंड फेल्ट ह्यूमिलेटेड एट दैट एमिनेंस। तो उन बच्चों में जिनको सजा मिली डेस्क के ऊपर खड़े होने के लिए, उन बच्चों में स्वामीनाथन भी एक था, एंड ही फेल्ट ह्यूमिलिएटेड। ह्यूमिलिएटेड यानी उसको बेइज्जती महसूस हुई एट
दैट एमिनेंस, इस प्रकार का जो व्यवहार हेडमास्टर ने दिखाया उस पर उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई। देन देवर लेक्चर्ड, उन सारे बच्चों को जो अनुपस्थित थे उनको पहले डेस्क पे खड़ा कराया गया, फिर उनको एक लेक्चर दिया गया। When it was over, जब वो लेक्चर खत्म हुआ, they were asked to offer explanations one by one. जैसे ही हेडमास्टर का लेक्चर खत्म हुआ तो वो सारे बच्चे जो अनुपस्थित थे उनको एक्सप्लेनेशन देने के लिए बोले। एक्सप्लेनेशन यानी यहाँ पर कारण बताने के लिए क्यों वो कल क्यों क्लास में उपस्थित नहीं थे। One said that he had an attack of a headache and therefore could not come to school. दोनों से एक बच्चा बोलता है कि मुझे सर दर्द था इसलिए मैं नहीं आ पाया। He was asked to bring a medical certificate. तो जैसे ही उनने सर दर्द की बात कही तो हेडमास्टर ने कहा कि तुम इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट लेकर के आओ। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home. फिर दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि जब मैं कल स्कूल आ रहा था तो किसी ने मुझे बताया कि आज स्कूल नहीं है और इसलिए मैं वापस घर चला गया। The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said that there would be no school, he deserved to be flogged. तो हेडमास्टर ने क्या कहा उस लड़के से कि अगर तुम इसी प्रकार से हर एक लोफर, लोफर यानी ऐसे बाहर घूमने फिरने वाले बच्चे जो बेमतलब पे इधर उधर घूमते रहते हैं, लोफर बच्चे, तो हेडमास्टर ने कहा कि इसी प्रकार से अगर तुम हर कोई लोफर की बात सुनते रहोगे तो तुम क्या चीज को डिजर्व करते हो, डिजर्व यानी तुम किस लायक हो, यू शुड बी फ्लॉग्ड। फ्लॉग्ड यानी बेंत से या चाबुक से मारना। तो बोले तो तुम वैसे ही चाबुक से मार खाने के लायक हो। एनीवे व्हाई डिड He not come to school and verify. फिर हेडमास्टर ने कहा कि जब किसी ने तुमसे कह दिया स्कूल नहीं है तो तुमको स्कूल में आके पता लगाना चाहिए था, स्कूल में वेरीफाई करना चाहिए था। तो उस लड़के ने कोई जवाब नहीं दिया, नो आंसर। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड। उसके बाद हेडमास्टर ने उसको पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट मिलने वाला ये प्रोनाउंस कर दिया। 10 days attendance cancelled. 2 rupees fine and the whole day to be spent on the desk. तो क्या पनिशमेंट, क्या सजा सुनाई हेडमास्टर ने कि 10 दिन का अटेंडेंस कैंसिल, मतलब 10 दिन स्कूल आने पर भी अनुपस्थित, 2 रुपए की फाइन और पूरा दिन उस डेस्क पे खड़े रहना। फिर द थर्ड सेड, अब तीसरा बच्चा क्या बोलता है, द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक। तीसरा बच्चा भी बोलता है कि मुझे सर दर्द था। The fourth said that he had stomachache. चौथा बच्चा कहा कि मुझे पेट दर्द था। एक यानी होता है दर्द, हेड एक सर दर्द, स्टमक एक पेट दर्द। The fifth said that his grandmother died suddenly just as he was starting for school. पांचवा बच्चा क्या बहाना बनाता है कि जैसे ही मैं स्कूल आने को निकला उसी समय मेरी दादी मर गई। The headmaster asked him if he could bring a letter from his father. तो हेडमास्टर ने उस लड़के से कहा कि इस बात की जानकारी लेते हुए तुम अपने पिता से पत्र ला सकते हो। तो लड़का बोलता है no, he had no father. बोलता है कि मेरे पिताजी नहीं है। Then who was his guardian? तो तुम्हारा guardian कौन है? His grandmother. तो बोलता है दादी guardian है। But the grandmother was dead. Was she not? तो फिर हेडमास्टर बोलते हैं तुम्हारी गार्जियन अगर दादी थी तो दादी तो मर चुकी है कि नहीं? तो बोलता है नो, नहीं। It was another grandmother. तो बोला नहीं, वो दूसरी दादी थी जो मरी। The headmaster asked how many grandmothers a person could have. फिर हेडमास्टर उस बच्चे को पूछते हैं कि किसी के भी कितनी दादी हो सकती है। तो नो आंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। Could he bring a letter from his neighbors? फिर हेडमास्टर ने उससे कहा कि क्या तुम अपने किसी पड़ोसी से पत्र ला सकते हो? तो नो, ही कुड नॉट, नहीं वो भी नहीं ला सकता था। नन ऑफ हिज नेबर्स कुड रीड और राइट। क्यों नहीं ला सकता था अपने किसी भी पड़ोसी से पत्र? क्योंकि कोई भी पड़ोसी उसका पढ़ना लिखना नहीं जानता था। बिकॉज ही लिव्ड इन अ वेरी इलिटरेट पार्ट ऑफ एलिमेंट स्ट्रीट। तो वो जो लड़का है बोलता है क्योंकि मैं तो
एलमन स्ट्रीट के सबसे अशिक्षित एरिया में रहता हूँ, सबसे अशिक्षित जो क्षेत्र है वहां रहता हूँ, जहाँ किसी को भी लिखना पढ़ना नहीं आता है। देन द हेडमास्टर ऑफर्ड टू सेंड अ टीचर टू दिस इलिटरेट लोकेलिटी टू एसर्टेन फ्रॉम द बॉयज नेबर्स इफ द डेथ ऑफ द ग्रैंडमदर वाज अ फैक्ट। तो हेडमास्टर ने उस लड़के से क्या कहा कि ठीक है, मैं अपने स्कूल का एक टीचर को तुम्हारे इस इलिटरेट लोकेलिटी, इस अशिक्षित क्षेत्र में भेजूंगा टू एसर्टेन, इस बात का पुख्ता करने के लिए तुम्हारे नेबर्स से, इस लड़के के नेबर से, कि वाकई में तुम्हारी दादी खत्म हुई है कि नहीं, इस बात में कितनी सच्चाई है, उसका पता लगाने के लिए मैं अपने इसी टीचर को भेजूंगा। अपॉज, उसके बाद वो लड़का अब डर गया, एक अपॉज यानी थोड़ा सा रुका। सम परस्पिरेशन, परस्पिरेशन यानी होता पसीना, उसको थोड़ा पसीना आया डर के मारे। एंड देन द आंसर दैट द नेबर्स कुड नॉट पॉसिबली नो एनीथिंग अबाउट इट सिंस द ग्रैंडमदर डाइड इन द विलेज। अब लड़का जो है वो डर के मारे अब क्या बहाना कर रहा है कि मेरे पड़ोसियों को पॉसिबली ये मालूम नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी दादी मरी है वो दूसरे गांव में रहती थी। द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नकल्स विथ हिज केन। अब हेडमास्टर को इस लड़के के बहाने से बहुत गुस्सा आया और उसके नकल्स में, नकल्स ने देखो वहां पर पिक्चर में दिखाया, नकल्स ने हाथ की जो हथेली की जो जोड़ों की हड्डियां हैं उसको बोलते हैं नकल्स। तो उस लड़के के नकल्स में उन्होंने केन से, बांस की लकड़ी से, बेंत से मारा। कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग, उसको सड़क का कुत्ता कहा। एंड प्रोनाउंस द पनिशमेंट 15 days सस्पेंशन, और फिर उसको सजा सुना दी कि तुमको 15 दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, तुमको यहाँ से बर्खास्त किया जाता है, स्कूल से 15 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। When Swaminathan's turn came, अब ये सारा जो घटना है सारे बच्चों के साथ वो स्वामीनाथन के क्लास में हो रहा था, स्वामीनाथन भी उसी कक्षा में था, और अब स्वामीनाथन की बारी आई, टर्न के मैंने स्वामीनाथन की बारी आई। ही लुक्ड अराउंड हेल्पलेसली, हेल्पलेसली यानी बहुत मजबूरी से वो इधर उधर देखने लगता है। राजम सैट ऑन द थर्ड बेंच इन फ्रंट, अब राजम जो उसका सबसे अच्छा दोस्त है वो उसके सामने के तीसरे बेंच पर बैठा हुआ है। एंड रेजोल्यूटली लुकड अवे, लुकड अवे यानी ध्यान नहीं देना, अब राजम जो है वो जानबूझ करके स्वामीनाथन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ही वॉज गेजिंग एट द ब्लैक बोर्ड इंटेंटली, वो लगातार जो है क्लास के ब्लैक बोर्ड की तरफ देखे जा रहा था। वाई डिड यू कीप अवे यस्टरडे, तो हेडमास्टर ने स्वामीनाथन से पूछा कि तुम कल क्यों नहीं आए थे। आज द हेडमास्टर लुकिंग अप, स्वामीनाथन की तरफ देखते हुए, स्वामीनाथन्स फर्स्ट इम्पल्स वॉज टू प्रोटेस्ट। अब देखो स्वामीनाथन एक एडोलेसेंट बच्चा है, एक किशोरावस्था का बच्चा है, तो इतने सारे अपने क्लास के बच्चों को डांट और मार खाते हुए देखने के बाद उसका पहला जो भाव उसके दिमाग में आता है वो रहता है टू प्रोटेस्ट, यानी उसका विरोध करना। That he had never been absent. वो ये विरोध करके बोले सर से कि मैं तो कल अनुपस्थित नहीं था। But the attendance register was there. लेकिन अटेंडेंस रजिस्टर सामने पड़ा हुआ था। No, no, I was stoned. अब ये जो है स्वामीनाथन बहुत ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसको अब मार डांट पड़ने वाली है, तो कौन सा बहाना वो बनाए इस बात का, इस बहाने की बहुत सारी चीजें उसके दिमाग में आ रहा है। नो नो आई वॉज स्टोन्ड, आई ट्राइड टू कम बट दे टुक अवे माई कैप एंड बर्नड इट। अब वो बहाने सोच रहा है कि मैं बोलूं कि किसी ने मुझे पत्थर मारा, कोई मेरा टोपी छीन लिया और उसको जला दिया, मैं आना चाह रहा था लेकिन मैनी स्ट्रॉन्ग मैन हेल्ड मी डाउन व्हेन आई ट्राइड टू कम, जब मैं आना चाह रहा था तो बहुत सारे लोग मुझे पकड़ करके रख लिए थे। When a great man is sent to
गोल, यहाँ पर GAOL गोल यानी होता है जेल। तो जिस प्रकार से एक किसी भी व्यक्ति को अगर जेल भेजा जाए तो आई एम सरप्राइज टू सी यू अ स्लेव ऑफ द इंग्लिश पेन। डिंट दे कट ऑफ डक्का मुस्लिन स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। ये डक्का मुस्लिन जो है ये एक कपड़े का नाम है। स्वामीनाथन के दिमाग में ये सारे बहाने जो है वो घूम रहे थे। और क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने पेट दर्द, सिर दर्द, दादी मरने का ये सारे बहाने बना चुके थे, तो इसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन सा बहाना बनाए। एंड दीज वेर सम ऑफ द डिसजॉइंटेड एक्सप्लेनेशंस, यानी अलग अलग प्रकार के बहाने जो है छोटे छोटे टुकड़ों में उसके दिमाग में, विच स्ट्रीम्ड इनटू हिज हेड, जो उसके दिमाग में स्ट्रीम्ड हो रहे थे, यानी लगातार एक के बाद एक आते जा रहे थे। एंड विच इवन एट दैट मोमेंट ही वॉज डिस्क्रीट इनफ, इतना सब होने के बाद भी वो डिस्क्रीट यानी केयरफुल, बहुत ही सावधान वो था स्वामीनाथन। बहुत ही सावधानी पूर्वक वो अपने बहाने को बताना चाह रहा था और बहुत ये भी सावधान था कि उसके मुंह से कुछ ना निकले। ही वॉज डिस्क्रीट इनफ नॉट टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस, अपने आप को व्यक्त करने में बहुत ही ज्यादा वो सावधानी बरत रहा था। ही हैड वॉन्टेड टू मैंशन अ हेड एक, बट ही फाउंड टू हिज डिस्ट्रेस दैट अदर्स बिसाइड हिम हैड वन। वो चाह रहा था कि वो सिरदर्द का बहाना बनाए, लेकिन टू हिज डिस्ट्रेस, लेकिन उसके डिस्ट्रेस यानी उसकी ये बदकिस्मती थी कि किसी और ने जो उसके बाजू में बैठा था वो ये बहाना बता चुका था। द हेडमास्टर शाउटेड वोंट यू ओपन योर माउथ। और जब वो चुपचाप खड़ा था, सारे जो विचार थे, सारे बहाने जब उसके दिमाग में घूम रहे थे, वो तब तक शांत खड़ा था, कुछ बोल नहीं रहा था, तो हेडमास्टर ने जोर से चिल्लाया, चिल्ला कर कहा, वोंट यू ओपन योर माउथ, क्या तुम अपना मुंह नहीं खोलोगे। ही ब्रॉट द केन शार्पली डाउन ऑन स्वामीनाथन राइट शोल्डर। हेडमास्टर अपना बेत से स्वामीनाथन के राइट शोल्डर पर एक जोर का बेंत मारा। स्वामीनाथन केप्ट स्टेरिंग एट द हेडमास्टर विथ टीयरफुल आईज। जैसे ही बेंत उसको पड़ी तो दर्द के कारण वो हेडमास्टर को स्टेयर करना है ना, घूरना, घूर कर देख रहा था विथ टीयरफुल आईज, और उसके आंख में आंसू भरे हुए थे। मसाजिंग विथ हिज लेफ्ट हैंड द स्पॉट वेयर द केन लेड, जिस जगह पर बेंत से मार पड़ी थी उस जगह को अपने लेफ्ट हैंड से मसाज करता हुआ वो आंख में आंसू भरे हुए अपने हेडमास्टर को घूर रहा था। आई विल किल यू इफ यू कीप ऑन स्टेयरिंग विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, क्राइड द हेडमास्टर। तो हेडमास्टर बहुत जोर से चिल्ला करके बोला कि अगर तुम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे और इसी प्रकार से मुझे घूरते रहे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आई विल किल यू। आई आई कुडंट कम, स्टैमर्ड स्वामीनाथन। स्टैमर्ड यानी अटक अटक के बोलना, जब किसी बात की घबराहट हो तो घबराहट में जैसा मुंह से बात निकलता है तो वैसी वो घबराहट के मारे स्टैमरिंग, अटक अटक कर बोल रहा था। आई आई कुडंट कम, मैं नहीं आ सका। तो हेडमास्टर ने कहा, इज दैट सो, क्या वाकई। आंसर आस्क्ड द हेडमास्टर एंड टर्निंग टू अ बॉय सेड ब्रिंग द प्योम। और फिर हेडमास्टर ने किसी एक लड़के को कहा, ब्रिंग द प्यून, जाके प्यून को बुला करके लाओ। स्वामीनाथन थॉट, स्वामीनाथन अब सोचने लगा, व्हाट इज ही गोइंग टू आस्क द प्यून टू थ्रैश मी। थ्रैश यानी होता है बेरहमी से मारना। तो स्वामीनाथन ये सोचने लगा कि क्या ये प्यून से मुझे मरवाएंगे, यानी प्यून आकर के मुझे मारेगा। इफ ही डज एनी सच थिंग आई विल बाइट एवरीबडी डेड। तो मन ही मन में स्वामीनाथन सोच रहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर प्यून से ये मुझे मार खिलवाए तो मैं सभी को काट खाऊंगा। आई विल बाइट एवरीबडी डेड, मैं सभी को दांतों से काट लूंगा। द प्यून केम, और जब वो सोच रहा था उतने देर प्यून आता है। द हेडमास्टर सेड टू हिम, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल ऑन द डेस्क। तो स्वामीनाथन की तरफ उंगली करते हुए हेडमास्टर जो है प्यून से पूछते हैं
कि अब तुम बताओ, नाउ से व्हाट यू नो अबाउट दिस रास्कल, रास्कल यानी दुष्ट, इस दुष्ट के बारे में तुम क्या जानते हो, ये दुष्ट जो डेस्क में खड़ा है इसके बारे में तुम क्या जानते हो, बताओ, ऐसा करके हेडमास्टर जो है प्यून से कहते हैं। द प्यून आइड स्वामीनाथन विद अ सिनिस्टर लुक, सिनिस्टर यानी दुष्टता पूर्ण, तो ये प्यून जो है वो स्वामीनाथन को एकदम दुष्टता पूर्ण नजरों से देखा, ग्रंटेड यानी गुर्राया एंड डिमांडेड, और फिर उसको कहता है डिंट आई सी यू ब्रेक द पेन्स, क्या मैंने तुमको खिड़कियों के पेन्स यानी पल्लों को तोड़ते हुए नहीं देखा। ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, एडेड द हेडमास्टर विद जेस्ट, और उस प्यून के कथन को आगे बढ़ाते हुए हेडमास्टर पूछते हैं, कहते हैं ऑफ द वेंटिलेटर्स इन माई रूम, अच्छा मेरे कमरे के वेंटिलेटर्स के, हियर देर वॉज नो चांस ऑफ एस्केप, अब तो स्वामीनाथन के लिए बच पाना बहुत मुश्किल हो गया। स्वामीनाथन केप्ट स्टेरिंग फूलिशली टिल ही रिसीव्ड अनदर व्हैक ऑन हिज बैक, अब स्वामीनाथन जो है वो अभी भी हेडमास्टर को तरफ ऐसे फूलिशली यानी जैसा वो दोषी है तो ऐसे मूर्खतापूर्ण तरीके से वो हेडमास्टर को घूर कर देखता है, और उसी समय उसको एक और चाप मतलब बेंत से एक और बार उसको मार पड़ती है उसके पीठ पर, अनदर वैक, वैक जो है वो बेंत का आवाज, बेंत जब हवा में घूमता है तो जो आवाज आता है उसको वैक बोलते हैं, अनदर वैक ऑन हिज ऑन द बैक। द हेडमास्टर डिमांडेड व्हाट द यंग ब्रिगेंड हैड टू से अबाउट इट, और एक बेंत मारने के बाद हेडमास्टर जो है वो बोलते हैं स्वामीनाथन को व्हाट ही हैड टू से अबाउट इट, ब्रिगेंड यानी होता है जैसे कोई गिरोह हो, तो इस गिरोह का वो एक सदस्य है, इस प्रकार से किसी बदमाशों का गिरोह का सदस्य है ऐसा बोलते हैं, तो व्हाट दिस यंग ब्रिगेंड हैड टू से अबाउट इट, तो इसके बारे में तुमको क्या कहना है। द ब्रिगेंड हैड नथिंग टू से, अब स्वामीनाथन के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा, इट वॉज ए फैक्ट दैट ही हैड ब्रोकन द पेन्स, क्योंकि इस बात में सच्चाई थी, ये बात सच था कि उसने ही हेडमास्टर के रूम के वेंटिलेटर के पेन्स को तोड़ा था। दे हैड सीन इट, और उसने देखा भी था, प्यून ने देखा भी था। ही हैड अनकॉन्शियसली बिकम डिफाइंट एंड डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, अब वो अनजाने में, क्योंकि वो एक बढ़ता हुआ बच्चा है, अभी तक के उसको दो बेंत मार पड़ चुकी है और किसी भी प्रकार से वो अपने गुस्से को अपने काबू में रखा हुआ है, लेकिन जब इस बात का खुलासा हो जाता है कि उसी ने हेडमास्टर के रूम के वेंटिलेटर के पेन्स को तोड़ा था, तो अब उसे मालूम है कि उसको और मार पड़ने वाला है, तो अनजाने में अब वो डिफाइंट हो जाता है, डिसोबीडियंट यानी किस प्रकार से मैं डिसओबे करूं, कहना ना मानूं, और डिड नॉट केयर टू डिनाई द चार्ज, और उसके ऊपर जो चार्ज लगा है, जो इल्जाम लगा है पेन्स को तोड़ने का, उसको भी वो डिनाई नहीं करता, हाँ ठीक है मैंने तोड़ा है, ऐसा उसका अंदाज अब होने लगा। When another whack came on his back, he ejaculated. और जब उसको अगला बार फिर बेंत से मार पड़ी हेडमास्टर से, तो अब वो अपने आप को काबू में नहीं रख सका और उसका मन जो है वो फूट पड़ा, ejaculated, मन का जो गुब्बार है वो बाहर आ गया, और वो हेडमास्टर को बोलता है डोंट बीट मी सर, सर मुझे मत मारिए, इट पेन्स, दर्द होता है, तो ऐसा कहना था, उतने में हेडमास्टर का जो गुस्सा है वो और बढ़ गया। दिस वॉज एन इन्विटेशन टू द हेडमास्टर टू ब्रिंग डाउन द केन फोर टाइम्स अगेन, तो जैसे ही स्वामीनाथन ने हेडमास्टर से कहा कि दर्द होता है मत मारिए, तो उतने में हेडमास्टर का गुस्सा और इतना बढ़ गया कि उसने चार बेंत और लगाए स्वामीनाथन को। He said, keep standing here on this desk, staring like an idiot till I announce your dismissal. तो हेडमास्टर भी बहुत गुस्से में स्वामीनाथन को बोलते हैं कि यहीं खड़े रहो इसी डेस्क पर और इसी तरह बेवकूफों की तरह घूरते रहो
टिल आई अनाउंस योर डिसमिसल, जब तक मैं तुम्हें यहां से डिसमिस नहीं कर देता, तुमको इस स्कूल से बर्खास्त नहीं कर देता, तब तक तुम इसी प्रकार से यहां खड़े घूरते रहो। एवरी पोर इन स्वामीनाथन्स बॉडी बर्न्ड विद द टच ऑफ द केन। तो जहां जहां बेंत उसके शरीर में लगा था, वो सारे जगहों में जलन होने लगी थी, दर्द होने लगा था स्वामीनाथन को। He had a sudden flood of courage. अब इतना मार पड़ने के बाद उसका मन जो है वो एकदम अधीर और इतना उतावला हो गया था कि किस प्रकार से मैं अपने हेडमास्टर का विरोध करूं। तो अचानक से उसके मन में a sudden flood of courage, एक नेगेटिव हिम्मत उसके मन में आ जाता है। The courage that comes of desperation, बहुत ज्यादा helplessness है, जहां पर आदमी बहुत ज्यादा मजबूर है, बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, तो उस मजबूरी और प्रताड़ना के चलते जो करेज, जो हिम्मत मन में आ जाता है विरोध करने का, टकराने का, वही हिम्मत उसके मन में आ जाता है। He restrained the tears, वो अपने आंख के आंसू को बहुत देर से रोक कर रखे हुए था, restrained, रोका हुआ था। That was threatening to rush out, जो उसके आंखों से बाहर निकलने के लिए बहुत बेताब था। जम्प्ट डाउन, तो अपने आंखों के आंसू को रोक कर वो अपने डेस्क से नीचे, जम्प डाउन, नीचे कूद पड़ता है। एंड ग्रास्पिंग हिज बुक्स, और अपने पूरे किताबों को उठा करके रश्ड आउट मटरिंग, क्लास से तेजी से बाहर निकलता है ये बड़बड़ाते हुए, आई डोंट केयर फॉर योर डर्टी स्कूल, मैं तुम्हारे इस गंदे स्कूल के लिए केयर नहीं करता। मतलब वो इतना गुस्सा हो गया था, उसका जो विचार है इतना बेकाबू हो गया था, अपने गुस्से पर उसका कोई वश नहीं चल रहा था, तो वो अपना किताब उठाया, अपने डेस्क जहां खड़ा था वहां से नीचे उतरा और हेडमास्टर की तरफ देखते हुए ये कहते गया कि मुझे तुम्हारे इस गंदे स्कूल से कोई लेना देना नहीं, ऐसा कहते हुए वो क्लास से बाहर चला जाता है। तो इस कहानी से हमको क्या पता चलता है कि किस प्रकार से किशोर अवस्था में बच्चा जो है उसके सहने की जो शक्ति है उसका एक लिमिटेशंस होता है, वो हर कुछ नहीं सह सकता है, और जब सहन शक्ति से बाहर हो जाता है तो वो फूट पड़ता है और अचानक से विरोधी बन जाता है। तो ये था स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल लेसन का एक्सप्लेनेशन। अब ये आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। इस प्रकार का जो सिचुएशन हो प्राय स्कूल में बच्चों के साथ आता रहता है, और इसका जो रिएक्शन है वो भी इसी प्रकार से काफी हद तक के होता भी है। तो इस लेसन के एक्सप्लेनेशन के बाद आगे इसमें लेसन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी दिया गया है, तो आप सबको पढ़ोगे और ध्यान से सुनोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू।